मोटरसाइकिलों की कीमतों के मबेन एक दौड़ शुरू हो चुकी है, जिसमें एक एटलस होंडा के बाद यामाहा की जानिब से भी अपनी मोटरसाइकिलों की कीमत में इजाफे का ऐलान कर दिया गया है। तब्दील शुदा कीमतों का इतलाक 2 अप्रैल से किया जा रहा है। इस माह के आखिर में बाकायदगी से YBR 125 की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। इस साल यामाहा की कीमत में ये दूसरी दफा इजाफा देखने में आया है, जबकि पहली बार जनवरी में इजाफा किया गया था। इसमें तकरीबन बाइक की कीमत में 6,000 रुपए का इजाफा किया गया था, जबकि होंडा की जानिब से भी अपनी बाइक की कीमत में इजाफा किया गया है, जो कि 1,000 से 2,000 रुपए तक है, जबकि यामाहा ने जो इजाफा किया है ये 6,000 से भी ज्यादा कीमतों में इजाफा है। तफसीलात के मुताबिक YBR यामाहा की कीमत 1,63,000 थी, जबकि कीमतों में तब्दीली के बाद इसकी कीमत अब 1,69,000 हो चुकी है, जबकि कीमत में 6,000 रुपए का फर्क है। जबकि दूसरी तरफ YBVTX की कीमत इससे कबल 1,75,000 थी, जबकि अब इसकी कीमत 1,82,500 रुपए है। इन कीमतों की तब्दीली का इतलाक 2 अप्रैल 2021 से किया जा रहा है। बाइक के लिए ग्राफिक के अंदर नए तर्ज को तारुफ कराया जाएगा, जिसके बाद इनकी कीमतों का इतलाक कर दिया गया है। कीमतों में ये इजाफा सार्फीन की जानिब से गैर मुनसिफाना करार दिया जा रहा है और मुकामी करंसी की कदर के हवाले से कहा जा रहा है कि जबकि रुपये की कदर में इजाफा हो रहा है तो ऐसे में कीमतों में इजाफा नहीं होना चाहिए, और इन तमाम मामलों पर हुकूमती एक्शन को इंतहाई ज़रूरी करार दिया जा रहा है।